अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक सोनी का एक टीवी है जी। इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं इसमें से पावर वगैरह आ जाती है और इसकी ऑडियो आने लगती है लेकिन वीडियो इसकी नहीं आ रही। बिल्कुल ये इसकी ऑडियो आ रही लेकिन इसकी वीडियो नहीं आ रही, स्क्रीन पर कोई चीज़ शो नहीं हो रही। अब हम इसे ओपन करके चेक करते हैं ये किस चीज़ का हमें फॉल्ट मिलता है, किस वजह से इसकी ये वीडियो नहीं आ रही। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। ये आस्ता आस्ता अब इसकी ये लाइट आना शुरू हो चुकी है और इसके रिटेस रहने भी आ रही हैं और बैकग्राउंड पे वीडियो भी अप होगी इसकी। मोटर इंश्योरेंस चाहिए बिना कॉल के झंझट के, नो अनवांटेड कॉल्स ऑन फोन पे, टेंशन फ्री इंश्योरेंस। पचास साल से जो बना, अब ये थोड़ी देर लगा रहता है। अब इसके बाद इसके ये रिट्रेस लेना आ चुकी है और इसकी लाइट आ चुकी है, डिस्प्ले ये ऊपर आ रही है, वो भी साइड के पूजे आ रहे हैं साइड, ठीक है। लेकिन इसकी वीडियो अब भी दुरुस्त तरह से वीडियो नहीं बनी। अब ये चेक करता हूँ ये क्या फॉल्ट मिलता है इसका। यह मैंने टीवी को ओपन कर लिया जी। अब मैं सबसे पहले तो इसके बेस के ऊपर वोल्ट चेक करता हूँ, ये कौन से वोल्टेज के बंद हैं जिसकी वजह से ये इसके लाइनें आई हैं और इसकी वीडियो वगैरह नहीं बनी इसमें। अब सबसे पहले तो हम इसके गन्नों को वोल्ट चेक कर लेंगे। आरपीजी ये 31 वोल्ट आ रहे हैं, दूसरी पर ये 29 वोल्ट आ रहे हैं, तीसरी पर भी ये 29 वोल्ट आ रहे हैं, ये वोल्ट बिल्कुल कम आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसके ये बेस के ड्राइव जो वोल्ट है वो चेक कर लेते हैं, ये भी इसके बंद है, 0.8 आ रहे हैं, ये 9 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये आई के वोल्ट जो हैं ये 8 हो चुके हैं, ये हालांकि 4-5 वोल्ट होने चाहिए, ठीक है, ये भी ज़्यादा है। ये जो इसके गन्नों के वोल्ट कम हैं ये 30-30 वोल्ट आ रहे हैं, वो इस वजह से आ रहे हैं कि इसके ये 200 वोल्ट कम हैं, ये 200 वोल्ट जो हैं ये 30 वोल्ट आ रहे हैं इस वजह से। ये हम नीचे से बोर्ड से ये चेक करेंगे ये किस वजह से इसके ये 30 वोल्ट बन रहे हैं, हालांकि इस जगह पर 200 वोल्ट आने चाहिए, ये पीसी के ऊपर भी प्रिंट हुआ है 200 वोल्ट, 180-90 वोल्ट होना चाहिए लेकिन ये बिल्कुल नहीं आ रहे। अब ये नीचे के बोर्ड से चेक करता हूँ, उसके बाद फिर आगे चेक करेंगे। ये जो इसका 200 वोल्ट बन रहा है वो इस जगह से बन रहा है, ये देख रहे हैं, ठीक है जी। ये एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये डायरेक्ट फ्लाई बैक से होकर निकल रहे हैं। इसका मकसद ये है कि ये जो फ्लाई बैक से निकल रहे हैं ये इस जगह पर इसकी एक सेफ्टी लगी हुई है, डेड हो चुकी है, इस वजह से ये आगे 30 वोल्ट निकाल रहा है। इस जगह पर ये अब 11-12 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं ये सबसे पहले कि ये वाली एक सेफ्टी लगाता हूँ इसकी जगह पर, फिर आगे चेक करते हैं। R851 की जगह पे ये मैंने दोनों रेजिस्टेंस लगा दिए इनके ऊपर, ठीक है। ये इसकी 1000 वोल्ट की जो है ये भी डेड हो चुकी थी, वो भी लगा दी और ये भी लगा दी, ठीक है। अब ये इसके 200 वोल्ट आने शुरू हो चुके हैं, 183 वोल्ट आ रहे हैं। अब इसके फ्रंट से चेक करते हैं क्या ये अब लाइट इसकी बनी है कि नहीं बनी। अब मैं आपको इसके दोबारा वोल्ट चेक करा देता हूँ। ये इसके 200 वोल्ट आने शुरू हो चुके हैं जी, ठीक है, 182 वोल्ट आ रहे हैं। अब ये गन्नों के ऊपर भी वोल्ट आ रहे हैं, 111-110, ठीक है जी। इसके ऊपर 12-13 वोल्ट आ रहे हैं, 107 वोल्ट आ रहे हैं। ये जो इसकी साइड वाली ड्राइव है उनके वोल्ट चेक कर लें, ये 3 वोल्ट, ये भी 3 वोल्ट और ये 2.8, ठीक है। और इसके ये जो आई के वोल्ट हैं ये भी आप देख रहे हैं 4.25 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये ग्राउंड और ये 9 वोल्ट। अब इसके ये सभी वोल्ट बिल्कुल दुरुस्त हो चुके हैं और अब फ्रंट से इसकी लाइट भी आ चुकी है। अब आपको मैं इसकी लीडें लगा कर वीडियो भी चेक कराता हूँ और ऑडियो भी चेक कराता हूँ। ये अब इसकी लाइट आने लगी है जी,
ये डिस्प्ले आ रही है अभी, या ना तो इसकी ये लाइन आ रही है और ये बिल्कुल डिस्प्ले भी ओके आ रही है। अब इसकी ये वीडियो के मैं पेन लगाने लगाऊँ, ये आप चेक कर लें, बिल्कुल वीडियो इसकी दुरुस्त आ रही है। और इसकी ऑडियो भी आप चेक कर लें, दिखाई दिए हम, ठीक है जी। अब हमारा टीवी बिल्कुल ओके हो चुका है, ऑडियो भी आ रही है और वीडियो भी आ रही है। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स को। ये इसमें फॉल्ट सिर्फ इन वोल्टेज की वजह से थी, जो इसके वोल्टेज बंद हो चुके थे इस वजह से इसकी ये लाइट वगैरह नहीं आ रही थी। अल्लाह हाफिज़।